जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान। तो यार आज लावा ने अपने लावा ब्लेज 4G को लॉन्च कर दिया इंडिया में। चलो उसके बारे में सब बताता हूँ। यहाँ पर आपको 6.52 इंच का एक HD प्लस IPS LCD पैनल मिल जाता है 269 के PPI के साथ, वाटर ड्रॉप नॉच और चिन। एंटी लेवल का फोन है, ऐसे ही डिस्प्ले स्पेक्स अपने को प्रोवाइड करेगा। कैमरास की बात कर ले तो कैमरास कुछ खास नहीं है। 13+ AI+ 2 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। यहाँ पर हम लोगों को अच्छा ट्रिपल कैमरा सेटअप देना चाहिए था, जैसे कि 13+ 2+2 ऐसे करके। अब जो दूसरा कैमरा इसको बताया नहीं, दैट मींस वो AI कैमरा है, नहीं तो बताता उसके बारे में। और सेल्फी की बात कर ले तो 8 MP का सेल्फी दिया है, सेल्फी काफी अच्छा दिया है, नहीं तो जनरली सब 5 MP का सेल्फी देते हैं 8,500 रुपए के फोन में। मेन स्पेसिफिकेशंस की बात कर ले तो यहाँ पर आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है, UFS 2.1 या फिर UFS 3.1 ये सब तो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि भाई एंटी लेवल का फोन है। तो eMMC 5.1 का चॉइस सपोर्ट है, LPDDR4X RAM टाइप, 5000mAh बैटरी, कोई भी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है। अब देखो यार, फास्ट चार्जिंग का तो सपोर्ट नहीं दिया है लेकिन टाइप सी पोर्ट दे दिया, ये बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 12 मिल जाता है, स्टॉक एंड्रॉइड पे है, जो बहुत अच्छी बात है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा, इतना आपको ब्लोटवेयर्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। परफॉर्मेंस की बात कर लें तो प्रोसेसर कुछ खास नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पर यूनिसॉक T610 T606 ऐसे करके कोई प्रोसेसर दे देता तो अच्छा लगता, लेकिन यहाँ पर MediaTek Helio 822 दे दिया है जो एकदम बेकार परफॉर्मेंस देता है। 12 nm के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, पावर VR GE8320 का GPU मिल जाता है। देखो यारो, अभी सीन ये है ना, जितने भी ब्रांड्स हैं 8-9 हज़ार रुपए में अगर अपने फोन्स को लॉन्च कर रहे हैं तो यूनिसॉक के प्रोसेसर्स के साथ लॉन्च कर रहे हैं क्योंकि वो कम पैसे में अवेलेबल होते हैं और बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस दे देते हैं। अभी करंटली MediaTek Helio G35, G37, G70 ये इतने अच्छे परफॉर्मेंस नहीं देते हैं क्योंकि ये काफी पुराने प्रोसेसर्स हो गए हैं। यूनिसॉक T606, T616 ये काफी अच्छे प्रोसेसर्स हैं जो बहुत ही नए, आप एक तरह से कह सकते हो MediaTek के प्रोसेसर्स के कंपैरिजन में तो नए हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस भी आपको दे देते हैं। अब देखो ये MediaTek Helio 822 को देख लो, आपको बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा, गेमिंग बिल्कुल कर भी नहीं पाओगे, डे टू डे लाइफ में स्मार्टफोन स्लो वर्क करेगा, कभी कभी हैंग होके स्विच ऑफ भी हो सकता है, तो ऐसा सा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। BGMI तो छोड़ दो, इस मोबाइल में नहीं खेल पाओगे, एकदम लो सेटिंग्स पे चल गया तो चल गया। अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के सबसे हाइलाइटेड फीचर के बारे में, यानी कि डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। देखो यारो, ये वर्ल्ड का सबसे सस्ता फोन है जो आपको ग्लास बॉडी दे देता है, बस यही इसका खासियत है। प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, आगे कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्शन नहीं है। डिजाइन वाइज ये स्मार्टफोन देखने में बहुत प्रीमियम लगता है, दिखाई दे रहा है लावा बहुत मेहनत किया है। देखो यारो, जनरली अभी 8,500 रुपए के फोन में अपने को इतना अच्छा प्रीमियम लुक और बॉडी देखने को नहीं मिलता है, इसी वजह से लावा का ये जो ब्लेज है काफी अच्छा हम लोगों को एक ऑप्शन दे देता है क्योंकि लोगों को प्रीमियम बॉडी वाले फोन्स काफी अच्छे लगते हैं। अब 8,500 रुपए में इतना अच्छा प्रीमियम बॉडी मिल रहा है तो लोग आकर्षित जरूर होंगे, आई होप सो। अब बात कर लेते हैं मेन मुद्दे के बारे में, यानी कि प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो ये स्मार्टफोन आज इंडिया में लॉन्च हो गया है, एक ही रैम वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, 3GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 8,700 रुपए, 8,700 रुपीज, और 3GB वर्चुअल रैम भी आपको मिल जाता है, तो टोटल 6GB रैम आपको मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं क्या वाकई में हम लोगों को लावा ब्लेज फोन को खरीदना चाहिए, क्या ये वैल्यू फॉर मनी फोन है, क्या इससे अच्छा कोई फोन अवेलेबल है 8,500-9,000 रुपए में। देखो यारो, पहली बात, अगर आप इस फोन को खरीदने का सोच रहे हो तो आपके पास बस एक ही रीजन होना चाहिए कि आपको ग्लास बॉडी वाला फोन चाहिए, आपको प्रीमियम बॉडी वाला फोन कम पैसों में एक्सपीरियंस करना है तो आप इसको खरीद सकते हो, अदरवाइज ये फोन अच्छे स्पेसिफिकेशंस नहीं देता है। 8,700 रुपए में लॉन्च हुआ है, बस 300-400 रुपए और लगा दो आपको Infinix Hot 11 Play 2022 मिल जाएगा, जो लाख अच्छे स्पेसिफिकेशंस आपको देता है, वो तो पंचोल डिस्प्ले के साथ भी आता है। तो मेरा बस यही सजेशन है आप लोगों के लिए, खरीदना है खरीद लो, अच्छा फोन है अगर आपको ग्लास बॉडी चाहिए तो, अदरवाइज एक अच्छा फोन जाके खरीदो। माइक्रोमैक्स इन2 भी है, Infinix Hot 11 Play 2022 है, ये अच्छे फोन हैं, इनकी तरफ जाओ, 9,000 रुपए में अच्छा वैल्यू देते हैं। विद दैट बिंग साइड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।